के एक टीचर के बारे में पढ़ा। उनका नाम हेमलता एन के है, जो वेदपुरम के एक स्कूल में दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल है। मैं आपको 2021 के लिए, 2021 के लिए अपना एबीसी अटैच कर रहा हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर एबीसी से उनका क्या मतलब है। तब मैंने देखा कि वेंकट जी ने चिट्ठी के साथ एक चार्ट भी अटैच कर रखा है। मैंने वो चार्ट देखा और फिर समझा कि एबीसी का उनका मतलब है आत्मनिर्भर भारत चार्ट, एबीसी। यह बहुत ही दिलचस्प है। वेंकट जी ने उन सभी चीजों की पूरी लिस्ट बनाई है जिन्हें वो प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें काफी रोचक लगा है। उन्होंने लिखा है कि हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं और इंडस्ट्री लीडर से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है, स्टार्टअप को भी आगे आना है। अंजामे में कौन सी विदेश में बनी चीजों ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है, एक प्रकार से हमें बंदी बना दिया है और फतेह सिंह को बंगाल में जिंदा चुनवा दिया गया था। लोग जमीन पर सोते हैं, लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के गरीबों के विरोध तैयार किए और इन्हें एक पेन ड्राइव में लेकर भारत माता की जय। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।